नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, बड़े राज्यों में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है। तो बड़े राज्यों के अंदर सबसे अच्छा शासित राज्य है केरल, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। छोटे राज्यों में गोवा इसका आंसर था और बड़े राज्यों में केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में इसका आंसर चंडीगढ़ था। आज का पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक जिनका भी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम TN कृष्णन, यानी कि ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 2 नवंबर 2020 को चेन्नई के तमिलनाडु में इनका निधन हुआ है, 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और TN कृष्णन बचपन से ही बहुत सारे प्रतिभाशाली थे। 1928 में केरल के त्रिवंतपुरम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ए नारायण अय्यर और मां का नाम आमिनी अम्माल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बिगड़ रहा है भारत का, और इसमें भी कुछ राज्य है पर्टिकुलर, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है कि धान ज्यादा लगाते हैं तो पराली ज्यादा जलाते हैं, उस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने, यानी यूं कहिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए पर्टिकुलर 15 राज्यों को जो है वो 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी राज्यों का नाम शामिल है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा, काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भी ये। हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। तो हाल ही में जो देश है गिलगिट को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया, इस देश का नाम है भारत, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा किए जाने का विरोध भी किया है। ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई। और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये एरिया जम्मू और कश्मीर का एक पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था, किंतु 1947 में क्या हुआ कि कश्मीर पर पाकिस्तान सेना के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र अब पाकिस्तान के नियंत्रण में ही आ रहा है, और पाकिस्तान ने इसे अभी रिसेंटली जो है अलग से क्षेत्र प्रांतीय दर्जा देने की घोषणा तो की, लेकिन इस पे भारत जो है वो नाराज है। अब भारत की राजधानी तो आप सभी को पता है न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, ये भी बात आप याद रखिएगा, और ये दर्जा देने की घोषणा की थी अस्थायी दर्जा 1 नवंबर 2020 को। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हाल ही में बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में हुई है। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का संस्करण नंबर है 24वां, और 24वें संस्करण की शुरुआत जो है अभी हाल ही में हुई है, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में 24वें संस्करण के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में। और यह अभ्यास 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा, और अमेरिका का गाइडल मिसाइल के साथ में जो है ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग रेंज फ्रिगेट मिसाइल और के साथ में MH-60 हेलीकॉप्टर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो प्रियंका राधाकृष्णन जो है इनको बनाया गया है न्यूजीलैंड के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। भारतीय मूल की है प्रियंका राधाकृष्णन, इनको अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर जो है एक मंत्री पद के रूप में शपथ मिली है। और प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती है।
अभी आप सभी को पता है कि रिसेंटली न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन नई प्रधानमंत्री बनी है फिर से, और वहां पे नया मंत्रिमंडल जो है वो बनाया गया है। उसमें 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, उनमें प्रियंका का नाम भी शामिल है। इनकी कैपिटल वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री का नाम जेसिडा आर्डन है, ये भी बात आप याद रखिएगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष राजीव जलोटा को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और राजीव जलोटा जो है वो आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अभी हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनसे पहले थे संजय भाटिया, 31 जुलाई को रिटायर हो गए और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कर दिए गए। उसके बाद में ये पोर्ट ट्रस्ट का पद खाली पड़ा था और अभी हाल ही में राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है अभी हाल ही में ओडिशा ने, यानी कि डी ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, राज्य ओडिशा। देखो राजस्थान, ओडिशा और हरियाणा, इन सभी की सरकारों ने जो है वो पटाखों पर प्रतिबंध लगा ही दिया। हरियाणा ने तो खैर चाइनीज पटाखों के आयात पर रोक लगाई है, लेकिन राजस्थान और ओडिशा की राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी दोनों पे रोक लगा दी। अगर कोई राजस्थान में पटाखे बेचने वाले दुकानदार दुकान पे कोई दुकानदार बेचता है तो उस पे 10,000 रुपए और पटाखों का उपयोग ना करने की अनुमति वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मान लेते हैं कोई दुकानदार बेच रहा है, उस पे 10,000 का जुर्माना होगा, ठीक है, और जो सप्लायर है, ठीक है, अनुमति देने की बात करिए वहां पे 2,000 रुपए का होगा जुर्माना। और ये आदेश जो है 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री पर इस्तेमाल होगा, मतलब ये अप्लाई रूल होगा 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रूल अप्लाई होगा। अब मैं जिक्र कर रहा हूं किससे, ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है, पॉपुलेशन 4.37 करोड़ है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है? तो आईआईटीएम कोविड गेम बनाया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और आईआईटी मद्रास ने ऐसा गेम बनाया, इसमें बच्चों पे है, यूं कहिएगा मतलब बच्चे इस पे बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, इसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया, पंजाबी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है। इसमें ब्राउजर है, इसमें क्या है कि मतलब कोविड-19 से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां उपलब्ध होगी और एक गेम के साथ साथ बच्चे इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है पर्टिकुलर वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी, ये भी बात आप याद रखिएगा। निम्न में से किस देश के सांसद ड्यूआर्टो पेचको को वर्ष 2020 से 23 के लिए आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया है पुर्तगाल के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है ड्यूआर्टो पेचको। इनको 2020 से 23 के लिए आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष इस संगठन का राजनीतिक प्रमुख ही होता है और इस संगठन की समस्त गतिविधियों को निर्देशित करता है। जैसा हमारे इंडिया में क्या होता है कि सांसद होती है, ऐसे पुर्तगाल के अंदर जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है और इनका अध्यक्ष इन्हें चुना गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे भारत के संसद के अध्यक्ष जैसे इनका नाम है ओम बिरला। और बात कर रहा हूं मैं पुर्तगाल की, तो आप मैप में पुर्तगाल को अच्छे से जानते ही होंगे, पोर्चुगीज के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, लिस्बन यहाँ पे काफी फेमस, और पुर्तगाल से वास्को डिगामा का बहुत ही अच्छा जो है संबंध रहा है, 1498 में वो इंडिया में आए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अगला क्वेश्चन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की जो शुरुआत है वो की है? इस योजना का नाम है प्रसाद योजना, डी ऑप्शन सही है। प्रसाद योजना के तहत जो है अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने इस योजना में पर्यटक सुविधा की केंद्र, इसका मतलब क्या होगा पर्यटक सुविधा का, भाई जैसे कि अपने धन का उपयोग करके और पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लेके जाना, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र से भारत के छोटे क्षेत्रों की आय बहुत ज्यादा होती है, अगर लोग आते हैं तो वहां के एरिया का जो ग्रो अप है वो बहुत अच्छे से होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक रहेगा और इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? मेरी रेल, मेरी जीवन रेखा, मेरी देश की जीवन, मेरी सहेली, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, धन्यवाद।